हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि XMI NVR या XMI DVR के अंदर आपको हार्ड डिस्क कहाँ जाके चेक करनी है, हार्ड डिस्क वर्क कर रही है या नहीं वो कहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, और उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है तो वो कैसे करना है, तो वो सेटिंग कहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको माउस का राइट बटन क्लिक करके मेन मेन्यू में चले जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जैसे हम जाएंगे वहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। हार्ड डिस्क में जाके आपको देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो हो रही है, यहाँ पे हार्ड डिस्क की डिटेल्स हैं ये सारे, ये हार्ड डिस्क शो कर रहा है। कैपेसिटी कितनी है, यहाँ पे 1 TB का हार्ड डिस्क डाला हुआ है मैंने, तो ये 931 GB दिखा रहा है, और यहाँ पे जो बचा हुआ है 925 GB अभी बचा हुआ है, तो और नॉर्मल मोड में चल रहा है। अगर आपने हार्ड डिस्क लगाई हुई है DVR में और यहाँ पे हार्ड डिस्क नहीं शो कर रही है, तो इट मीन्स आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है या DVR में प्रॉब्लम है, किसी भी एक चीज में प्रॉब्लम है और जिस वजह से आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो हार्ड डिस्क इन्फॉर्मेशन में जाके अपना हार्ड डिस्क चेक कीजिए, और यहाँ पे अगर नॉर्मल स्टेटस दिखा रहा है तो ओके है, अगर यहाँ पे नॉर्मल नहीं आ रहा है तो आपको हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देना चाहिए एक बार। अगर आप नई हार्ड डिस्क लगाते हैं तो आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट करने के लिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए हार्ड डिस्क को, और उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्मेट स्टोरेज का ऑप्शन है, आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट स्टोरेज पे क्लिक किया और यहाँ पे अगर ओके कर दूंगा तो मेरा जितना भी डाटा है वो सारा डाटा हार्ड डिस्क से इरेज हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, और अगर नई हार्ड डिस्क है तब भी आप फॉर्मेट कर दीजिए ताकि वो फॉर्मेट होके इसके फॉर्मेशन के साथ सेट हो जाए आपके NVR के साथ और वो इसमें प्रॉपर वर्क करने लगे। तो जब भी आप नई हार्ड डिस्क डालते हैं तो एक बार फॉर्मेट कर दीजिए, और कई बार DVR NVR ऑटो फॉर्मेट भी हार्ड डिस्क को कर देता है अगर नई हार्ड डिस्क है तो। अगर नहीं होता है तो आप इस सेटिंग पे जाके अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दीजिए। तो यही थी बस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।